व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। इस समय की सबसे ब्रेकिंग खबर आ रही है, ये कश्मीर के कुलगाम जिले में, वहां पर एक एनकाउंटर सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में शुरू हो चुका है और ये एनकाउंटर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के समनू विलेज में वहां पर इस समय चल रहा है। एक जानकारी के अनुसार ये बताया गया है कि एक ज्वाइंट टीम जिसमें पुलिस आर्मी की 34RR और CRPF की इन्होंने ज्वाइंटली एक वहां पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, पूरे इलाके को उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया। जब उनको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली कि इस इलाके में यहां पर टेररिस्ट मौजूद है, लेकिन इस सर्च के दौरान टेररिस्ट की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके जवाब में फिर सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की और ये जो सर्च ऑपरेशन था ये एक एनकाउंटर में तब्दील हो गया है और लगातार वहां पर इस समय सर्च ऑपरेशन जारी है और बीच में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर इस समय सुरक्षा बलों का वहां पर चल रहा है और एक सस्पेक्टेड स्पॉट वहां पर बताया गया है। यहां पर ये टेररिस्ट छुपे हुए हैं और लगातार वहां से फायरिंग कर रहे हैं, हालांकि सुरक्षा बल भी पूरी तरह से इसको रिटेलिएट कर रहे हैं और मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और एक सोर्सेज के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट जो हैं इस पूरे कॉर्डन ऑफ में इस अंदर फंसे हुए हैं। इसी बीच कश्मीर से एक और खबर आ रही है कि कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से जहां पर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जैश ए मोहम्मद के एक ओवरग्राउंड वर्कर की प्रॉपर्टी को अटैच किया है। एक जानकारी के अनुसार ये बताया गया है कि SIA ने एक एप्पल ऑर्चर्ड प्रॉपर्टी जिसकी की कुल जो मेजरमेंट है 7 कनाल और 7 कनाल 7 मरले बताई जा रही है, जो कि अरिगाम चिरथ विलेज में स्थित है, वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम गुलाम नबी वानी है, फादर ऑफ अक्यूज्ड इशफाक अहमद वानी, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये अंडर सेक्शन 25 ऑफ UAPA के ऑर्डर के तहत नवंबर 13 2023 जो है कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी ने ऑर्डर दिए थे, तहत जो है ये प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज की टेररिस्ट के साथ देना या टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, उसके चलते हुए ये प्रॉपर्टी जो है अटैच की गई है। और इस समय जो पहले भी SIA ने कई तरह जो है एक कैंपेन स्टार्ट कर रखी है, उसी के चलते हुए SIA ने भी इस पर एक आज एक और इस तरह का स्टेप लिया है। लगातार इससे पहले और भी एजेंसीज हैं, जैसे NIA है, NIA ने भी कई प्रॉपर्टीज़ को जब्त की, NIA ने भी इससे पहले अपनी कई रेड के दौरान जो है प्रॉपर्टीज़ को जब्त किया है। वो लोग जो कि टेररिज्म के साथ जुड़े हुए हैं या उनका साथ देते हैं, और अब SIA भी उसी की तरफ लगातार अपनी इस कैंपेन को आगे बढ़ाए हुए है और इस मुहिम को आगे